मुझे रोज रोज जब से मैं बहुत बहुत सालों से मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं जहां पर बच्चों को उनकी नंबर के हिसाब से ना पढ़ाया जाए, बच्चों को उनके बस इसलिए पढ़ाया जाए क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और एक अंकल है मानस मुकुलदास, इलाहाबाद में रहते हैं, तो उन्होंने बड़ा नया चीज बताया मुझे बच्चों को पढ़ाने के बारे में। उन्होंने कहा कि बच्चों को जब स्कूल में पढ़ाया जाता है तो बड़ा अजीब है क्योंकि हम लोग नापते हैं बच्चों को, हाइट नहीं नापते, पढ़ाई नापते हैं। और अगर एक पौधा दूसरे पौधे से आधा इंच लंबा है तो इस वाले को मेडल मिल जाता है और एक वाले को फेल कर दिया जाता है। और फेल करने का मतलब समझते हैं कि आप चक्कू लेकर काट दिए उसको, और जब काट दिए तो बढ़ेगा कहां से, जितनी बार डांटते हैं। आज मैं गया सिक्स में, एक मैडम थी, वो खतरनाक से चेहरा बना करके बच्चों को डांट रही थी और बच्चे बेचारे हाथ अपना ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो पीटा होगा उन्होंने स्केल स्केल से। और क्यों? क्योंकि बच्चे क्राफ्ट की बुक नहीं लाए, पता नहीं क्राफ्ट से उनकी दुनिया पता नहीं क्या करने वाले हैं। मैं भी बहुत बहुत मार खाया हूं इसमें। किसका फोन आ गया यार? हाँ रिम्पी, मैं आ गया रिम्पी अपने यहाँ। ठीक ठीक ओके, बाय बाय। तो मैं रोज रोज थोड़ा थोड़ा उसके करीब पहुंच रहा हूं अपने ड्रीम स्कूल बनाने के। हमारे ड्रीम स्कूल में सबसे पहले तो ये चीज समझा जाएगा कि पढ़ना आसान कैसे होता है, ये हमारे ड्रीम स्कूल का पर्पज होगा। तो उसमें डेविड बॉयस बहुत हमारी हेल्प करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। मैल्कम ग्लैडवेल ने रिसर्च किया है कि पढ़ाई पढ़ाई लिखाई भी नहीं खाली पूरी, जैसे आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं, आप डांसर बनना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, हर जगह पर आप अगर बहुत छोटे हैं और कोई बहुत बड़ा एम कर रहे हैं या बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन है आपके सामने, तो उनको आप कैसे हराएं। डेविड और गोलियत, डेविड छोटा सा एक बच्चा था, इसने बहुत बड़े गुंडे टाइप के आदमी को हराया था। तो ये है, दिस इज स्टोरी अबाउट अंडरडॉग्स, मिसफिट्स एंड द आर्ट ऑफ बैटलिंग जायंट्स। अगर आप अंडरडॉग हैं, अंडरडॉग मतलब क्लास में एकदम फेल, अंडरडॉग माना जाता है उनको, से करोड़पति लोगों के बीच में एक बेचारा नौकर टाइप का आदमी, वो अंडरडॉग है। या स्कूल में सब टॉप कर रहे हैं और एक बेचारा फेल हो रहा है, वो अंडरडॉग है। मिसफिट्स मतलब आप किसी पार्टी में गए, 5 स्टार की पार्टी में, और आप अपने कपड़े देख रहे हैं तो वहां पर फिट नहीं है, आप मिसफिट हैं। तो हाउ मिसफिट्स एंड अंडरडॉग्स कैन फाइट जायंट्स, जायंट्स मतलब बड़े बड़े लोगों को कैसे हराते हैं, इसकी स्टोरी है ये। तो कल हमने शुरू किया था डिसलेक्सिया के ऊपर। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका ब्रेन नॉर्मल तरीके से ग्रो नहीं होता, इसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। माना जाता था कि कैट को रैट पढ़ देते हैं वो लोग, बी सी बी की बी एक्चुअली दिखाई देता है डी की तरह, लेकिन खाली इतना नहीं है, डिसलेक्सिया और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। डिसलेक्सिया में होता यह है कि जो सुनता है बच्चा 40 40 मिली सेकेंड्स की गैप हो जाती है उसमें। 40 मिली सेकेंड्स का मतलब यह होता है, अगर मैंने आपको बोला बैट और रैट इन दोनों में फर्क बताओ, तो बैट और रैट इन दोनों में बार बैट और रैट आर थोड़ा लंबा बोला गया, बी ब कम बोला गया, बैट रैट, तो ये रैट और ब एक ही जैसे सुनाई देता है बच्चे को। ये बहुत मुश्किल चीज है क्योंकि तब होता क्या है, बच्चे जब पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस पढ़ा, यू डोंट यू वुडेंट विश योर डिसलेक्सिया ऑन योर चाइल्ड। अब अगर डिसलेक्सिक बच्चा इसको पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, यू वुडेंट, विश पढ़ रहा है लेकिन वहां यू खो गया उसका। अभी मैं आके पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा, बहुत ही डरावनी कहानी है बेचारे की। इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट, स्कूल में मतलब डिसलेक्सिया बच्चे के साथ क्या होता है, इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज, अगर आप लैंग्वेज को आवाज में नहीं समझते। मेरा भाई, छोटा वाला भाई जो है,
वो गूंगा बहरा है, बचपन से सुनता बोलता नहीं है। उसके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, मतलब मैंने भी उसके लिए एबीसीडी सीखी है, ए बी सी डी ई एफ, ऐसे जितने जहां जहां गए हम लोग, उसको हम लोग पागल ही समझते थे, जबकि वो पागल था नहीं। उसने फिर हम लोगों ने उसको कराटे सिखवाया, मॉडलिंग सिखाई, अब वो जॉब कर रहा है। लेकिन आज भी जब उसे मिलेंगे ना, तो आपके मन में खाली ये फीलिंग आएगी, बेचारा। तो ये कह रहा है, इफ यू हैव नो कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड ऑफ लैंग्वेज, इफ यू टेक अवे अ लेटर, इफ यू टेक अवे अ साउंड एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, देन इट्स रियली हार्ड टू मैप द साउंड टू बी रिटन ऑन काउंटर पार्ट्स। मतलब अगर कोई हम बोल रहे हैं और आपके कान तक आवाज ही नहीं पहुंच रही है, तब एग्जाम में कैसे पास होंगे? हम आप देख रहे हैं लेकिन साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा है पढ़ने में। तो बोलता है नेडाइन गाब, अ डिसलेक्सिया रिसर्चर एट हार्वर्ड, हार्वर्ड में डिसलेक्सिया रिसर्च करती थी वो, उन्होंने बोला इट मे टेक यू अ वाइल टू लर्न टू रीड, हो सकता है आपको कुछ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, यू रीड वेरी स्लोली एंड विच देन इंपेयर्स योर रीडिंग। आप बहुत धीमे धीमे स्लोली पढ़ रहे हो तो आप मतलब कहां से निकालोगे? अगर मैं आपको सेंटेंस पढ़ रहा हूं, देखिए, इफ यू आपको ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज समझनी है तो उसकी फ्लो होनी पड़ेगी। पता है कैसा है ये? ऐसा ही है कि आप को फोटो दिखाया जा रहा है लेकिन एक पेज में आंख बनी है, एक पेज में नाक, एक पेज में मुंह, एक पेज में कान, और बोल रहे हैं पहचानो कौन? हंसना नहीं है बेटा। डिसलेक्सिया को अगर आप समझ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप और हम सब बहुत थोड़े लेवल पे डिसलेक्सिक हैं, उतने खराब नहीं है लेकिन बहुत थोड़े लेवल पे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ध्यान से सुने। तो बोलता है यू रीड रियली स्लोली विच देन इंपेयर्स योर रीडिंग फ्लुएंसी, तो इसे आपको रीडिंग फ्लुएंसी नहीं आती, फ्लुएंसी मतलब स्पीड में नहीं पढ़ सकते आप, विच देन इंपेयर्स योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जब स्पीड में नहीं पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंशन समझते हैं? कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का इम्तिहान होता है। yes, क्या होता है उसमें? माना सर। हां सर, हाँ सर, नॉर्मल है, मैंने दे दिया है सर। ओके सर, ओके। तो फ्लुएंसी, कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है कि जो आपने पढ़ा उसमें से मतलब निकाल पाए, मीनिंग। जो मैं कर रहा हूं अभी, मैं अभी बुक्स पढ़ रहा हूं और आपके सामने उसको कॉम्प्रिहेंशन दे रहा हूं, उसका मतलब दे रहा हूं। तो बोलता है फिर कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल, क्योंकि आप उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज यू आर सो स्लो दैट बाय द टाइम यू आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव फॉरगॉटन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वॉज, आपने सेंटेंस का एंड किया और शुरुआत का भूल गए, आप इतने स्लो हैं इसलिए। सो इट लीड्स टू ऑल द प्रॉब्लम इन द मिडिल स्कूल एंड द हाई स्कूल। तो स्कूल में चाहे शुरुआत का टाइम होता है, तब तक धीमे धीमे मिडिल स्कूल में पहुंचते हैं, फिर हाई स्कूल में पहुंचते हैं, तो आप बहुत ही फेलियर मान चुके होते हैं, हो चुके होते हैं। यूजुअली यू गेट अ डायग्नोसिस, आपको डायग्नोसिस समझते हैं, डायग्नोसिस मतलब ठप्पा लगाना किसी को क्या बीमारी है। डायग्नोसिस यू गेट एट द टाइम ऑफ 8 or 9, 8 या 9 साल के होते तब पता चलता है किसी को डिसलेक्सिया है कि नहीं। बट बाय दैट टाइम इट हैज गॉट लॉट्स ऑफ सीरियस साइकोलॉजिकल इंप्लीकेशन, तब तक तो बच्चे को दिमाग में भी बहुत बड़ा उसका असर हो चुका रहता है। क्यों? बिकॉज बाय दैट टाइम यू हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 3 years, मे बी यू आर द कूल किड इन द प्ले ग्राउंड। हो सकता है जब तुम प्ले ग्रुप में थे तो बड़े हीरो थे, लेकिन जब क्लास 1st, 2nd, 3rd में आए, ऑल योर फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड रीडिंग एंड यू कैनॉट फिगर इट आउट वाई। योर पियर्स थिंक यू आर स्टूपिड, तुम्हारे पियर्स मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स सोचते हैं ये तो पागल है। एंड योर पेरेंट्स थिंक यू आर लेजी, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं? आप लेजी हैं। यू हैव इंक्रीज्ड, यू हैव वेरी लो सेल्फ एस्टीम, इससे धीमे धीमे बच्चे के अंदर में क्या हो जाता है? बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम। ये सेल्फ एस्टीम क्या होता है? एक तरह का कॉन्फिडेंस, अपनी खुद की इज्जत। जब क्लास में 50 बार आपको बुलाया जाता है, स्कूल में सजा मिलती है, बैड रिमार्क्स मिलते हैं, तो उससे धीमे धीमे आपके सेल्फ एस्टीम को चोट लगती है। तो
किड्स विद डिसलेक्सिया आर मोर लाइकली टू एंड अप इन जुवेनाइल सिस्टम, जो डिसलेक्सिया के बच्चे होते हैं उनको पागलखाने भेज दिया जाता है अक्सर। यू वुडंट विश योर चाइल्ड टू हैव डिसलेक्सिया, आप कभी भी विश नहीं करेंगे कि आपके बच्चे को डिसलेक्सिया हो, या करेंगे? नहीं करेंगे। सेकेंड चैप्टर अब हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फार इन डेविड एंड गैलियोथ वी हैव लुक्ड एट द वेज इन विच वी आर ऑफन मिसलेड अबाउट द नेचर ऑफ एडवांटेजेस। नेचर जो हम लोगों को एडवांटेज देता है, नेचर समझते हैं कौन है? प्रकृति। जैसे प्रकृति एडवांटेज कैसे देता है? बड़ा उल्टे तरीके से देता है। राम जी वनवास गए थे, क्यों गए थे? सीता जी को खोजने के लिए, उनको वनवास दिया गया था। तो ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ उनके लिए? उनके लिए तो खराब हुआ, लेकिन दुनिया के लिए क्या हुआ? क्यों अच्छा? एग्जैक्टली, रावण ने बदतमीजी की, सीता को उठा ले गया, फिर वो लड़ाई वड़ाई हुई, तो उल्टा ही कहानी। ये नेचर एक उल्टे तरीके से आपको देता है डिसएडवांटेज, लेकिन होता है एडवांटेज, यही बोल रहे हैं। नाउ इट इज टाइम टू टर्न आवर अटेंशन टू अदर साइड ऑफ द लेजर। अब थोड़ा दूसरे तरीके से देखें क्या है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी कॉल समवन डिसएडवांटेज, अगर हम बोलते हैं किसी को डिसएडवांटेज तो उसका क्या मतलब होता है? एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूं यहां पर रोककर। मेरा भाई क्या है? गुंगा बहरा। और पता है हमारे पूरे खानदान में एक ही बंदा है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मिली है, और वो है मेरा भाई। क्यों? क्योंकि वो हैंडीकैप कोटा में उसको हो गया। उसकी जो नौकरी है उसमें उसको 30-40 हजार रुपये महीने तनख्वाह है, बिजली फ्री, पानी फ्री, बच्चों की पढ़ाई फ्री, ऑपरेशन फ्री, घर फ्री, उसके पास अपना फ्लैट हो चुका है, और मुझसे 3 साल छोटा है, मेरे पास अपना मकान नहीं है अभी तक। तो उसको अगर ये डिसएडवांटेज मिला है, लेकिन उससे एडवांटेज हो गया उसको। उसके बाद बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, यार गूंगे बहरे का सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर ली जाए। बोलता है कन्वेंशनल विजडम आमतौर पर लोग मानते हैं होल्ड्स दैट अ डिसएडवांटेज इज समथिंग दैट ऑट टू बी अवॉइडेड। डिसएडवांटेज ऐसी चीज है जिसको हम जिससे हमको दूर रहना चाहिए। बट दैट इट इज सेटबैक और डिफिकल्टी दैट लीव्स यू वर्स ऑफ देन यू हैव एवर दैट यू हैव अदरवाइज। ये एक ऐसी मुश्किल है जो आपको और खराब कर देगी और कमजोर बना देगी। बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। डिसएडवांटेज हमेशा आपको कमजोर नहीं बनाती। इन नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स, अभी आप आगे देखेंगे, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द आइडिया दैट देयर आर सच थिंग्स एज डिजायरेबल डिफिकल्टीज। आगे आप देखेंगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम बोलते हैं डिजायरेबल डिफिकल्टीज, मतलब ऐसी मुश्किलें जो आप चाहते हैं। जैसे क्लास में जब जो बच्चे बोर होते रहते हैं वो जानबूझ के खुद रुदुम करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। क्यों सर? गेट आउट। वाह, यही तो चाहते हैं सरकार, डिजायरेबल डिफिकल्टी। एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। अरे भगवान, आप आपके जुग जुग जिए, आपके दूधो नाओ पुतो बोलो प्रिंसिपल महाराज। क्यों? यही तो हम चाहते थे। ये क्या है? डिजायरेबल डिफिकल्टी। लेकिन ये थोड़ा और अलग है, इससे गहरी बात है इसमें। द कॉन्सेप्ट वॉज कंसीव्ड बाय रॉबर्ट ब्रॉक ज़रॉक एलिजाबेथ ज़रॉक टू साइकोलॉजिस्ट इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस एंड इट इज ब्यूटिफुल एंड हॉन्टिंग वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ अंडरडॉग्स कैन एक्सेल। दो साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ज़रॉक, इसमें बी है साइलेंट, एक्चुअली उनका नाम है रॉबर्ट ज़रॉक और उनकी वाइफ एलिजाबेथ ज़रॉक, बी साइलेंट है ज़रॉक। ये दोनों ने कैलिफोर्निया में क्यों सुना है एलिजाबेथ, वो एलिजाबेथ बहुत कॉमन नाम है, इंग्लैंड में जाकर हर तीसरी औरत का नाम एलिजाबेथ होता है, और वहां रशिया में जाकर हर दूसरी औरत का नाम नताशा होता है, नताशा। तो बोलता है बहुत ही डरावनी है, लेकिन साथ ही साथ सुंदर भी, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। कंसिडर फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग पजल। एक पजल हम आपको दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा मुश्किल पजल है, मैं मिस कर गया था, और मैं शायद बता दूं तब भी आपको समझ में ना आए, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अ बैट एंड अ बॉल कॉस्ट्स $1.10 टोटल। एक बैट और एक बॉल ₹1.10 का मिलता है। कितने का? ₹1.10। द बैट कॉस्ट्स ₹1 और $1 मोर देन द बॉल।
बैट बॉल से $1 ज्यादा है, या हम लोग बोलेंगे ₹1 महंगा है। हाउ मच डज द बॉल कॉस्ट, तो बॉल की कीमत कितनी? 0.10, 10 पैसा। कितना बताइए? 0.10। तो बैट की कीमत कितनी है? तो बॉल की कीमत 0.10, मतलब 10 पैसा। ठीक है, अब सुनते हैं आंसर। What's your instinctive response? I am guessing that it is the ball that costs 10 cents. मतलब 10 पैसा। Wrong answer. That can't be right. Though, it can it. The bat is supposed to cost $1 more than the ball. वो उसे $1 ज्यादा होना चाहिए। So, if the ball costs 10, the bat must cost 1.10. And we have exceeded our total. The right answer must be the ball costs 5 paisa or 5 cent. नहीं समझ में आया ना? मुझे भी नहीं समझ में आया था। आप इसको चेक करिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा कि 5 सेंट का बॉल है और दोनों का टोटल कंबाइंड जो कॉस्ट है 1.10 है। एनीवेज, ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, इससे आसान सवाल। हियर इज अनदर क्वेश्चन। इफ इट टेक्स 5 मशीन्स 5 मिनट्स टू मेक 5 विजिट्स, 5 मशीन है, 5 मिनट लगता है 5 विजिट बनाने के लिए, कोई भी 5 सामान बनाने के लिए। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 10 मशीन्स टू मेक 10 विजिट्स? 10। बताओ यार, साफ से बताओ, 5 के 10 कितने लोग? 5। चलो, और 10 कितने लोग बोल रहे हैं? 10। राइट आंसर बताइए, बताइए कुछ तुक्का लगाइए। 5 या 10? हाँ, चलिए मैं इसको आसान कर देता हूं, इसको और आसान कर देता हूं। चलिए, नहीं आसान ही था क्वेश्चन। इसका सही आंसर है 5, कि 10 लोग एक काम को 10 मिनट में करते हैं, तो 20 लोग उसी काम को कितने देर में करेंगे? 20 के लिए कपड़े सुखाना, बिल्कुल सही। एनीवेज, कोई बात नहीं। दीज पजल्स आर 2 of the 3 क्वेश्चंस दैट मेक द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। इसको, ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां पूछे जाते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट में। इसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट और CRT, इसका टेस्ट होता है साइकोलॉजी में। इट वॉज इन्वेंटेड बाई येल प्रोफेसर शेन फ्रेडरिक। शेन फ्रेडरिक ने इसको खोज किया था। एंड इट मेजर्स योर अबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इट अपीयर्स। और ये आप कोई चीज दिखने में कितनी आसान है लेकिन एक्चुअली वो मुश्किल है, तो उसको मेजर करने के लिए आपकी एबिलिटी चेक करता है। टू मूव पास्ट इंपल्सिव आंसर्स टू डीपर एनालिटिकल जजमेंट, मतलब इसमें आप तुरंत जो आंसर आता है उससे हटकर कुछ गहराई में जाकर आप आंसर देने की कोशिश करते हो। फ्रेडरिक आर्ग्यूज, इफ यू वॉन्ट अ क्विक वे to sort people according to their level of basic cognitive ability, his little test is almost as useful test as that of hundreds of items and takes several hours to finish. To prove this point, Frederick gave CRT to the students of 9 American colleges. उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से लोगों की IQ टेस्ट मत करो, उनको इस तरह का टेस्ट दो और उसके बाद चेक करो, तो तुम देखोगे बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो उन्होंने क्या किया? He gave this test CRT to 9 American colleges, including the students of MIT. MIT जानते हैं, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुनिया का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग। हार्वर्ड, MIT, कैलटेक, इनको बेस्ट माना जाता है, येल। MIT के बच्चों को दिया तो उनके एवरेज मार्क्स आए 2.18 करेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 3 एवरेज आंसर्स। स्टूडेंट्स ऑफ कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, ये भी वन ऑफ द टॉप है पिट्सबर्ग में, Another extraordinarily elite institution, एक बहुत बड़ा institution, average answer was 1.51, उसमें 2.1, इसका answer था 1.5 लोगों के question out of 3. Harvard के बच्चों को उससे भी कम मिला, 1.43 out of 3. And University of Michigan, Ann Arbor, 1.1 out of 3. और वहीं पर University of Toledo, उनके answer कितने थे? 0.5 out of 3. और ये सब बच्चे जीनियस बच्चे हैं, सारे कॉलेज के बच्चे, तब भी इनके 50% से ज्यादा आंसर्स गलत हो गए। अच्छा ठीक है, इन्होंने कुछ और चमत्कार किया,
देखिए द सीआरटी इज रियली हार्ड, सीआरटी वैसे मुश्किल होता है, बट हियर इज अ स्ट्रेंज थिंग, एक बड़ी अजीब चीज है. डू यू नो द इजिएस्ट वे टू रेज पीपल्स स्कोर ऑन द टेस्ट? उन्होंने पता है लोगों का स्कोर कैसे बढ़ा दिया? मेक इट लिटिल बिट हार्डर, इसको थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया, लोगों के स्कोर बढ़ गए. द साइकोलॉजिस्ट एडम एल्टर एंड डैनियल ओपेनहाइमर ट्राइड दिस फ्यू इयर्स अगो विद अ ग्रुप ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. First, they gave CRT in the normal way, and the student's average was 1.9 correct answers out of 3. It's pretty good. बोलता है पहले तो उन्होंने CRT दिया सब बच्चों को और उनका आंसर कितना आया? 1.9 out of 3. अब बाद में क्या किया? That's pretty good. Though it is well short over 2.1 जो ऊपर आया था. 2.1 से तो कम था MIT से. Then, Alter and Oppenheimer printed out the rest of the test questions in font that was really hard to read. तो उन्होंने क्या किया? Question को ऐसा छापा कि पढ़ने में बहुत मुश्किल है. और जो size भी था वो भी छोटा कर दिया. देखिए इसको print करके दिखाया है. ये है normal font. ये है. नहीं दिख रहा. तो जब ये किया उन्होंने, ये वाला आपको नहीं दिख. और जैसे ही ये किया, द एवरेज स्कोर वॉज 2.45. क्यों? बच्चों ने ध्यान लगा करके पढ़ना शुरू किया. उसके पहले पढ़ ही नहीं रहे थे ध्यान से, या पढ़ नहीं पा रहे थे ध्यान से. क्यों? क्योंकि पढ़ना आसान था. द एवरेज स्कोर दिस टाइम अराउंड वॉज 2.5. सडनली द स्टूडेंट्स डूइंग मच बेटर देन देयर काउंटर पार्ट्स, एंड MIT वालों से भी बेटर हो गया इनका. दैट इज स्ट्रेंज, इजंट इट? स्ट्रेंज है कि नहीं? Normally we think that we are better at solving problems when they are printed, presented clearly and simply. Normally हमको लगेगा कि साफ साफ पेपर होना चाहिए तब हम इम्तिहान दे पाएंगे अच्छे से. गलत. अगर धुंधला धुंधला हो, साफ साफ नंबर नहीं लिख रहा है, तो आप जाके सर को पूछोगे, सर ये क्या है बताइए. नॉर्मली क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तब भी अपना दिमाग खुजलाते रहेंगे, कुछ मतलब मतलब निकाल के आंसर लिख देंगे. लेकिन जब छपा नहीं है क्वेश्चन, तब जाकर सर से पूछेंगे, चाहे पढ़ा ना हो रात को, सर ये मिस प्रिंट है, सर ठीक से क्वेश्चन बताइए. बोलता है बट हियर द ऑपोजिट हैपेंड. अ 10% ग्रे, अगर आपने ग्रे बना दिया उसको, एंड 10 points इटैलिक मैरियड प्रो फॉन्ट मेक्स रीडिंग रियली फ्रस्ट्रेटिंग. इसमें आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. यू हैव टू स्क्विंट अ लिटिल बिट. आपको थोड़ा सा स्क्विंट करना पड़ेगा. स्क्विंट मतलब हाँ, आंखों को ऐसा दब करना पड़ेगा. एंड मे बी रीड द सेंटेंस ट्वाइस, और हो सकता है आपको दो बार पढ़ना पड़ेगा कि सेंटेंस. And you probably wonder halfway through who on the earth thought it was good idea to print this test this way. आपको दिमाग में कौन बेवकूफ है जिसने ऐसा छपवाया है, ऐसा दिमाग में आएगा. But suddenly you have to read, you have to work to read the question. लेकिन आपके दिमाग को काम करना पड़ेगा पढ़ने के लिए. तो पता है क्या हो गया? सिस्टम वन से जो काम होता था वो कहां चला गया? टू में चला गया, और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो गए. Yet all the extra efforts pays off. लेकिन जो extra effort करेंगे उससे फायदा होता है. As Alter says, making the question disfluent, अगर आप question को disfluent बना दीजिए, causes people to think more deeply about whatever they come across. सामने जो भी आता है उसको बहुत गहराई से देखते हैं. They will miss more resources on it. They will use more resources. उस पर दिमाग ज्यादा लगाएंगे. They will process more deeply or think more carefully about what's going on. वो दिमाग ज्यादा deeply सोचेगा और process भी deeply करेगा. If they have to overcome a hurdle, they will overcome it better when you force them to think little harder. तो अगर कोई मुश्किल दे रहे हैं तो उसमें मुश्किल पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे. Alter and Oppenheimer made CRT more difficult, but that difficulty turned out to be desirable. Desirable difficulty. Not all difficulties have silver lining, of course. Silver lining मतलब अच्छाई. लेकिन सारी की सारी चीजें difficulties अच्छी नहीं होती. जैसे कि कैरोलिन सैक्स के बारे में, बेचारी कैरोलिन सैक्स को जो difficulty हुई, या मास को जो difficulty होती है, या आप लोगों को जो घर पे होती है, वो बड़ी सुंदर नहीं होती, बड़ी घिनौनी होती है. जो घर पे मार पड़ती है, डांट पड़ती है. हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन क्लास इन ब्राउन वॉज अनडिजायरेबल डिफिकल्टी. उसको जो क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास था, दैट वाज अनडिजायरेबल डिफिकल्टी. शी इज अ क्यूरियस हार्ड वर्किंग टैलेंटेड स्टूडेंट हु लव्स साइंस, एंड देयर वाज नो एडवांटेज टू पुटिंग हर इन दैट सिचुएशन वेयर शी फेल्ट डीमोरलाइज्ड एंड इनएडिक्वेट. तो अगर कहीं किसी सिचुएशन में
किसी डिफिकल्टी में आप डीमोरलाइज्ड फील करते हैं, डीमोरलाइज्ड मतलब आपका मॉरल डाउन होता है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो डिफिकल्टी आपके लिए अच्छी नहीं। जब हमारा मॉरल डाउन होता है, सुसाइड तब करने का मन करता है, सुसाइड कब करने का मन करता है, जब हमको लगता है सारे रास्ते खत्म हो गए और हमको लगता है कि सुसाइड करने से इन प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगा। एक दूसरा एक और सिचुएशन होता है और वो ज्यादा कॉमन है, लोग उसको देख नहीं पाते, सुसाइड करने का मन करता है बदला लेने के लिए। जब मां बाप कहते हैं तुम हमारी जिंदगी हो, तो हमको लगता है जब खुद को मार देंगे तब इनको मालूम पड़ेगा, जब ये बैठ के रोएंगे तब मालूम पड़ेगा। मोस्टली जो सुसाइड में लोग मरते हैं वो इसीलिए मरते हैं क्योंकि लोग दुखी में नहीं मरना चाहते बट आवेश में आकर के किसी को सजा देना चाहते हैं मारने के लिए। द स्ट्रगल डिड नॉट गिव हर न्यू अप्रिसिएशन ऑफ साइंस। उस स्ट्रगल से जो वहां पर उसको मिली थी कैरोलिन सैक्स को, उसको साइंस अच्छी नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा था और कमी हो गया था। बट देर आर टाइम्स एंड प्लेसेस वेयर स्ट्रगल्स हैव पॉजिटिव ऑपोजिट इफेक्ट, वेयर व्हाट सीम्स लाइक द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल दैट ऑट टू क्रिपल द अंडरडॉग्स चांसेस इज एक्चुअली लाइक ऑल्टर एंड ओपेनहाइमर मैरियट प्रो 10% ग्रे एंड 10% इटैलिक फॉन्ट। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी मुश्किलें हम ऐसी पा सकते हैं, ले सकते हैं, जहां पर हमारे लिए जिंदगी आसान हो जाती है। जैसे ये सेंटर आपके लिए वैसी ही मुश्किल है, नहीं मैं बता रहा हूं सुन लीजिए, स्कूल जैसी मुश्किल नहीं है ये सेंटर पर। मैं आपको डंडा नहीं मारता, मैं गाली नहीं देता, मैं आप होमवर्क नहीं करते हैं तो मैं आपको फेल नहीं करता, लेकिन यहां पर आसान भी नहीं है। आसान क्यों नहीं है? अगर आप फेसबुक चालू करेंगे तो मैं आपको रोकूंगा, शोर मचाएंगे तो मैं रोकूंगा, और आप चाहते भी हैं रुकना, आप चाहते हैं कोई ऐसे प्यार से मुझे रोके। मैं जब उनके यहां जाता था, मानस मुकुलदास जी के यहां, मैं बहुत जाता था उनके यहां, मतलब एमबीबीएस करने के बाद मेरी मम्मी को लगता था तुम क्यों जाते उनके यहां। मैं उनके यहां जाता था सुबह, उनके यहां बड़ी सी लाइब्रेरी, जितना बड़ा मेरा मकान है उतनी बड़ी लाइब्रेरी उनके घर में है, और बुक्स निकाल के पढ़ते रहता था। और फिर बाबा, उनकी उम्र है करीब 60-65 साल है तो आंखों से कम दिखता है, तो मैं जाकर के मैं आपके लिए चाय बना दूं, हाँ हाँ जाओ चाय बनाओ, चाय बना के लाते थे, चाय पीते थे, फिर दोपहर हो जाता था खाना भी बनाता था उनके लिए। इंग्लिश के प्रोफेसर थे, एचओडी थे वो, मुझे कहीं मुश्किल हो गया तो हेल्प कर देते थे, अदरवाइज वो अपना पढ़ते थे मैं अपना पढ़ता था, कुछ बोर बार हो गया तो चला गया कहीं घूम फिर करके फिर वापस आ गया। लेकिन उस बंदे के प्रेजेंस की वजह से मैं पढ़ता था, क्यों? मैं कुछ और टाइम पास नहीं कर सकता था वहां पे, वो बैठा है, कोई बड़ा बैठा हो तो आप टाइम पास नहीं कर सकते, लेकिन कोई बड़ा ऐसा बैठा हो कि तुम्हें घूर रहा है, क्या पढ़ रहे हो, एक घंटा हुआ एक ही पेज पढ़ दो, वो बंदा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता था, वो पूछता ही नहीं था क्या पढ़ रहे हो, ये भी नहीं पूछता था कौन सी किताब निकाल के पढ़ रहे हो। आपने कुछ पूछ लिया मुझसे, मैंने उनसे कुछ पूछ लिया, तो एक बार मैंने उनसे पूछा बाबा ये जो स्कूलों में मतलब डिग्री विग्री मिलती है, अगर कोई मान लीजिए बहुत कम नंबर पाया है तो क्या लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है? तो उन्होंने मुझे अपने हिसाब से बता दिया, कम नंबर ज्यादा नंबर का लाइफ में आगे बढ़ने से कोई रिलेशनशिप नहीं आशीष। अरे यार तो कैसे? बोलते बहुत से लोग हैं जो बहुत कम नंबर पाते हैं लेकिन आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। फिर बातचीत शुरू हो गई, एक एक घंटे गप्पे होती थी हम लोगों की। लेकिन वो बंदा टीचर नहीं था मेरा, वो बंदा एक डिजायरेबल डिफिकल्टी था, बल्कि डिफिकल्टी भी नहीं कहना चाहिए, डिजायरेबल फ्रेंड था। बट डिफिकल्टी इस एंगल से, उन बच्चों के लिए डिफिकल्टी थी जो एक लड़का आया एक दिन उनके घर में, मैंने उसको बताया बड़ा अच्छा बहुत अच्छा अंकल है, उनके घर पे जाओ डिस्टर्ब नहीं करते, चाय नाश्ता मिल जाता है बेटा, चलो मौज करते हैं वहां पे। आ गया वो भी, तो आया एक दो दिन मेरे साथ रहा। तीसरे दिन जब मैं नहीं आया, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया वहां पे। तब बैठा था वो, तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उनके साथ बात करने के बजाय इन्हीं से बात करना शुरू कर दिया, अंकल जी से अच्छे लगे अंकल जी कब। तीसरे दिन बोलता है तुम्हारे अंकल जी ठीक नहीं लग रहे हैं मेरे को, मेरी गर्लफ्रेंड उनसे बात कर रही है। मैंने कहा मैं क्या करूं बेटा, वहां गर्लफ्रेंड ले जाने की जगह नहीं है। कैन डिसलेक्सिया टर्न आउट टू बी डिजायरेबल डिफिकल्टी? क्या ऐसा है डिसलेक्सिया एक डिजायरेबल डिफिकल्टी हो? इट इज हार्ड टू बिलीव इट, इट कैन हाउ गिवन हाउ मेनी पीपल स्ट्रगल विथ डिसऑर्डर थ्रू आउट देयर लाइव्स एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज फैक्ट An extraordinary high number of successful entrepreneurs are dyslexic. ये मुझे भी नहीं मालूम थे। Extraordinary high number, जब आप टॉप पे जाएंगे, करोड़पतियों से मिलेंगे,
ढेर सारे करोड़पतियों से मिलेंगे। आप मिले किसी अपनी लाइफ में किसी करोड़पति से? मिले नहीं मिले? करोड़पति है वो, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास 50, 60, 70 करोड़ हो, और जिनके पास 100 करोड़ होगा वो करोड़पति नहीं होगा, वो अरबपति हो जाएगा। मैं अभी तक खाली 1, 2, 3 अरबपतियों से मिला हूं और 30, 40 करोड़पतियों से मिला हूं। तो बोलता है जितने आप एक्स्ट्रा ऊपर जाएंगे बहुत सक्सेसफुल लोगों को मिलेंगे, वो एक्चुअली डिसलेक्सिक है। अ रीसेंट स्टडी बाय जूली लोगोन एट सिटी यूनिवर्सिटी लंडन पुट्स अ नंबर समवेयर अराउंड अ थर्ड। बोलता है थर्ड मतलब तीन में से एक अरबपति या करोड़पति डिसलेक्सिक है, पढ़ने में दिक्कत होती है उनको। द लिस्ट इंक्लूड्स मेनी ऑफ द मोस्ट फेमस इनोवेटर्स ऑफ द पास्ट फ्यू डेकेड्स, जैसे रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन बहुत फेमस बंदा है, उसकी अपनी हवाई जहाज की कंपनी है। अ ब्रिटिश बिलियनेयर एंटरप्रेनर इज डिसलेक्सिक। चार्ल्स श्वैब द फाउंडर ऑफ डिस्काउंट ब्रोकरेज दैट बियर्स द नेम इज डिसलेक्सिक। एज द सेल फोन पायनियर क्रीग मैककॉ, एक क्रीग उसने भी सेल फोन बनाया है, वो भी डिसलेक्सिक है। डेविड नीलमैन द फाउंडर ऑफ जेट ब्लू, बहुत बड़ी कंपनी है। पॉल ऑरफेल्ला द फाउंडर ऑफ किंकोस, ये भी डिसलेक्सिक है, टू नेम जस्ट अ फ्यू। कुछ लोगों का नाम हमने बताया। द न्यूरो साइंटिस्ट शेरॉन थॉम्पसन शिल रिमेंबर्स स्पीकिंग एट अ मीटिंग ऑफ प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी डोनर्स, वर्चुअली ऑल ऑफ देम सक्सेसफुल बिजनेस पीपल, एंड ऑन अ विम आस्किंग हाउ मेनी ऑफ देम हैड एवर बीन डायग्नोज विथ लर्निंग डिसऑर्डर्स। बोलता है एक बहुत बड़ी गैदरिंग आई थी, इसमें बहुत अमीर अमीर लोग आए थे डोनेशन देने के लिए, तो उसने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि आप लोगों को बचपन में कितने लोगों को डिसलेक्सिया का डायग्नोसिस बताया गया था स्कूल में। हाफ द हैंड्स वेंट अप, उन अरबपतियों में से आधे से ज्यादा लोगों के हाथ ऊपर उठ गए। शी सेड इट वॉज अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं कर सकते। देर आर टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस फैक्ट, इस चीज के बारे में दो चीजें हो सकती हैं। वन इज दैट दिस रिमार्केबल ग्रुप ऑफ पीपल ट्रायम्फेंट इन स्पाइट ऑफ देयर डिसेबिलिटी। एक तो यह हो सकता है कि इतने मुश्किल था तब भी बढ़ गए, जैसे मां बाप कहते हैं अरे तुम्हारे उम्र के थे ना, हमारे को इतनी मुश्किलें थी लेकिन हम उसके बावजूद आगे बढ़ गए। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है दे आर सो स्मार्ट एंड सो क्रिएटिव दैट नथिंग इवन नॉट इवन अ लाइफ टाइम ऑफ स्ट्रगलिंग विथ रीडिंग कुड स्टॉप देम, कि इतने मेहनती थे, इतने मेहनती थे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि अपनी मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़े। द सेकेंड एंड मोर इंट्रीगुइंग पॉसिबिलिटी इज दैट दे सक्सीडेड इन पार्ट बिकॉज ऑफ देयर डिसऑर्डर। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि हो सकता है उनकी डिसलेक्सिया की वजह से ही वो आगे बढ़े हो। मैं डिसलेक्सिक नहीं डायग्नोस हुआ था, इसलिए मैं नौकरी कर रहा हूं डिसलेक्सिक के यहां। अमर सिंह जी, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। दिक्कत मतलब वैसे बहुत सब कुछ पढ़ लेते हैं, इज मास्टर, वो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हमको बोले पूरी नॉवल खत्म कर दीजिए बोर हो जाते हैं, चार पेज पढ़ के उनको नहीं पसंद आता। तो अगर ऐसा आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे बच्चे का, डॉक्टर बोले हाँ बेटा पढ़ो, आधा पेज पढ़ के आप बोर हो गए, नहीं पढ़ पा रहे, डिसलेक्सिया, थप्पा लग गया आपको। वॉट वुड यू विश डिसलेक्सिया ऑन योर चाइल्ड इफ द सेकेंड ऑफ द पॉसिबिलिटी इज ट्रू यू माइट, क्या आप अब चाहेंगे अपने बच्चे को डिसलेक्सिया हो? इसकी कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे, डेविड बॉयस की कहानी। आज हम यहां थोड़ी सी और बात बता दूं, मैं डिसलेक्सिया के बारे में नहीं, इन जनरल के बारे में। आज मैंने क्लास 6 में बताया था, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जितनी मेहनत खूब मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी, क्या सच है? खूब मेहनत करोगे तो तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी। सोचिए, आप सोचिए, सोचिए। नहीं लेकिन मौके बढ़ जाएंगे, मतलब अगर आप रोज खूब मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आपके क्वेश्चन पेपर आसान आना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आसान लगने लगेंगे कि आसान आने लगेंगे? लगने लगेंगे। इसका मतलब ये किस्मत में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, आपकी आपकी
हैबिट में इंप्रूवमेंट आएगा। किस्मत का और मेहनत का बहुत इनडायरेक्ट, जैसे देखिए ये सेकंड बार जो गए हैं घर से, आप पता है क्यों गए हैं? उसको नहीं, ध्यान से सुनिए, मैं इनके बारे में सेकंड बार ये निकले हैं, मैं तो अब पांचवी बार हो गया और अब मैं घर गया ही नहीं हूं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। मैं जब पहली बार गया था तो क्लास में था, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में गया था, दूसरी बार सेकंड ईयर में, तीसरी बार थर्ड ईयर में, उसके बाद फिर मैं भागा नहीं क्योंकि पापा हर जगह से उठा के ले आते थे मुझे। एक बार तो एक कोई तांत्रिक खोज के निकाल दिया मुझे, मैं घर से भाग गया, पापा बेचारे बड़े परेशान, तो किसी तांत्रिक मांत्रिक से पूछा, उसने आंख बंद करके बता दिया तुम्हारा बच्चा यहां है, उठा के ले आए। परेशान, इसके बाद मुझे कैसे कैसे निकलूं उनके चंगुल से। फिर ये सोचा कि नौकरी करूं, नौकरी करोगे तब तो नौकरी खो जाए। कुछ दिन नौकरी करते 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 यहां लखीमपुर में नौकरी कर रहा हूं, पापा मम्मी वहां है इलाहाबाद रहते हैं, अब भाग गया हूं लेकिन अब नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनको पता है। तो भागना है लेकिन ऐसे नहीं भागना है, नौकरी करके भागना है। भागना मतलब अभी आप भाग रहे हैं क्योंकि वो डांटते डपटते हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत करते करते एक चीज हो जाएगी, मेहनत करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे आजकल मैं जो बुक्स पढ़ता हूं, मैंने टारगेट बनाया है कि एक साल में कम से कम, एक बंदे के लिए मैंने पढ़ा है वो 100 बुक्स एक साल में पढ़ता है। नासीम तालिब जो है ही रीड्स एवरेज 100 बुक्स पर ईयर, मतलब कितना हुआ पता है? 3 दिन में एक किताब। तो मैंने अपने आप को बताया कि आशीष भाई तुम 3 दिन में किताब नहीं पढ़ सकते, तो एक महीने में तो एक किताब पढ़ लो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक किताब को उठाकर अपनी चंगुल में बांधे रखता हूं हमेशा, आस्तीन में सांप पाले रखता हूं। खाना खाने जा रहा हूं, खाना आ रहा है होटल में, खोल के अपना दो पन्ना पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पेंसिल निकाली मार्किंग कर ली। तो जो नहीं समझ में आया वो छोड़ो, जो समझ में आया वो तो समझ में आ गया। तो अब शुरू के दो साल तक में तो बहुत धीमे धीमे चला, मैंने एक साल में 5 या 6 किताब पढ़ी होगी, लेकिन अब एवरेज 15-20 दिन में एक किताब खत्म हो जाती है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत करना आसान हो जाएगा। जैसे पहली बार कार चला रहे हैं आप, बहुत ही मुश्किल होती है कार चलाना, स्पेशली हाईवे पे। लेकिन जब बार बार कार चलाते हैं तो आपको कार चलाना आसान हो जाता है। और जब पहली बार कार चला रहे हैं तो आपकी किस्मत भी खराब होगी एक्सीडेंट्स में। क्यों? क्योंकि भाई कार चलाना मुश्किल है। चार बार करेंगे तो सब, मैं जब तीसरी बार गया था तो सब प्लानिंग वनिंग करके गया था, मैंने कपड़े उपड़े पहले से पैक करके दुकान वकान में छोड़ दिया था और वहां एक बंदे से बात कर की थी। बट दिक्कत यह है, बताऊं एक चीज, इसको थोड़ा समझिए। इमोशनल जितना आप टॉर्चर नहीं झेल पाएंगे अभी। इमोशनल टॉर्चर मतलब होता है कि आदत पड़ चुकी है मां बाप की। नहीं, उसकी नहीं बात कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं होम सिकनेस। होम सिकनेस मतलब अभी तो ठीक है, डांट पड़ती है, वो खराब लगता है, लेकिन जब कॉलेज में जाएंगे आप तो मां के हाथ का खाना अच्छा लगेगा। और अगर कभी मम्मी बीमार पड़ गई तो तब उनकी ज्यादा याद आएगी, आपको लगेगा हाय राम मैंने उनको दुख दिया। नहीं, फिल्मों में दिखाते हैं ये, मुझे आजकल होता है, मेरी मम्मी याद आती है मुझे बार बार, लेकिन फिर भी जाने को डर लगता है क्योंकि वहां पर डांटना शुरू कर देंगी। याद कर लेता हूं लेकिन ज्यादा नहीं। मैं भागने के लिए कह रहा हूं, लेकिन देखिए दिक्कत आपको क्यों आएगी। आपकी उम्र में आप लोग हैं अभी 8th में, 8th के बच्चे को जॉब अगर कोई मिलेगी तो चाय की दुकान में चाय बेचने का काम मिलेगा, या किसी कुरियर कंपनी में कुरियर पहुंचाने का काम मिलेगा, और उसमें आपको मात्र 2-3-4 हजार रुपए की जॉब मिलेगी। और दिल्ली, बंबई, लखनऊ, कलकत्ता ऐसे शहरों में एक कायदे का मकान भी लेने जाएंगे तो भी आपको 2000 से कम में नहीं मिलेगा। लखीमपुर में नहीं मिलेगा आपको कायदे का मकान 2000 में। तो आपके खर्चे कैसे मीट आउट करेंगे? तो या तो आप कोई अच्छी सी जॉब खोजिए और जॉब के लिए जाइए कि कहीं बात हो गई, 10,000 रुपये मिलेगा, 2,000 रुपये की खर्चा है, 3,000 रुपये खर्चा है, 5,000 रुपये बचत है, हम जा रहे हैं। अदरवाइज आप जब भागेंगे तो इट इज लाइक जंपिंग इनटू अ रिवर जिसकी गहराई पता नहीं आपको। चमोली में एक छोटी सी नदी है, गंगा जी जब अलकनंदा बोलते हैं उसको, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, जितना बड़ा ये कमरा है इसका डबल, नहीं मैं बता रहा हूं सुन लीजिए, मुश्किल से 20-25 फीट। लेकिन एक बार उसमें बस गिर गई और मिली नहीं। एक सरदार जी जो नेशनल चैंपियन थे स्विमिंग के,
वो ऐसी जंप कर गए चेक करने के लिए उसकी गहराई, उनकी डेड बॉडी मिली हरिद्वार में। ही वॉज ए नेशनल चैंपियन। तो जिस ये बेसिकली जब आप अकेले भागते हैं बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैसे के, तो खाली आप डरते नहीं है। हम लोग सोच लेते हैं अरे कोई बात नहीं, किस्मत किस्मत साथ देगी। फिल्मों में दिखाते हैं बच्चा भागा और गया और वहां पर बड़ा हो गया, अमिताभ बच्चन बड़ा हो गए। लेकिन वो 25 साल लगते हैं साले को, रोज उठना, रोज बैठना, रोज खाना, रोज मंजन, ग्रुवर एल्टाग, ग्रुवर एल्टाग जर्मन वर्ड है, बोरिंग काम। तब लगता है यार इससे तो अच्छा घर ही था, खाने को तो मिलता था। जब मैं पहली बार गया था मैंने 3 महीने तक सब्जी नहीं मिलती थी कायदे की, साउथ इंडिया चला गया था, वहां रसम मिलता था, चावल मिलता था। एक बंदे ने 3 महीने के बाद वापस आ गया था मैं। काम 2,000-2,500 ऐसे ही सारे खर्चे हो जाते थे। बल्कि महीने से पहले जिस बंदे के लिए काम करता था उसके बर्तन मांजे मैंने, उसके जूते पॉलिश किए, उसके कपड़े प्रेस किए, नौकर की तरह काम कराया उसने, किया मैंने काम। 3 महीने तक नौकर नौकर रहा, उसके बाद मुझे लगा इससे अच्छा तो घर पे था, कम से कम अपने जूते कपड़े मेरे कोई और बांधता धोता था, दूसरों के कपड़े जूते धो रहा हूं, इससे अच्छा मैं अपने कपड़े खुद ही धो लूं, मतलब घर पे मम्मी धोती है। खाना अच्छा अच्छा खाना मिलता था। तो ये सब जो दिक्कतें आएंगी ना, ये प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जिसके बारे में हम लोग अभी नहीं सोच पाते। मेरी आपसे सलाह है, अगर आपको सीरियसली भागना है तो कोशिश करिए कि 1,00,000 रुपए पहले सेव करिए। नहीं नहीं मजाक नहीं, अगर आप प्लान करें तो 2-3 साल में, 5 साल में 1,00,000 इकट्ठा कर सकते हैं आप। मैं आपको हेल्प करूंगा, बताऊंगा कैसे आप 1,00,000 रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं। मैं चाहते हो मैं बता दूं सबको, यूट्यूब पे बता दूं, सीक्रेट है वो। तो जब आपके पास 1,00,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब आपको शायद भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगल की कॉलोनी में एक मकान लीजिए किराए पर, बोले पिताजी हम यही रहते हैं, कोई दिक्कत होती मुझसे बोलना, हम पैसा देंगे आपको। जब आपके पास 1,00,000 रुपए इकट्ठा करने की काबिलियत आ जाएगी तब आपके पैसे खत्म नहीं होंगे। देखिए ये चीजें जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 1,00,000 पापा मम्मी से छुपा आप चोरी करके लाएंगे क्या 1,00,000 रुपए? हम कहां रखते हैं अपने पैसे? बैंक में। तो आप भी बैंक में रखेंगे? हाँ, या तुम अपनी दुकानों से कपड़े लाते हो? ऐसे ही बैंक होते हैं पैसे रखने के लिए। आज आपके पास पैसे हैं तो आज वो बैंक अकाउंट खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा सेव करने का सबसे अच्छा तरीका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अगर उसमें आप मैक्सिमम 1,00,000 और मिनिमम 1,000 जमा कर सकते हैं, और उस पर गवर्नमेंट आपको टैक्स पर सॉरी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देती है। मतलब आपने अगर 1,00,000 रुपए इस साल जमा किया तो उस पर 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो अगले साल आपको 1,00,000 पर 8,000 रुपए बैंक देगा आपको। तो अच्छा उसमें मान लीजिए आपने पैसे नहीं जमा किए अगले साल, तो अगले साल आपको 1,08,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। पीपीएफ ऐसा अकाउंट है, बहुत कम लोगों को पता है, जिसमें अगर आपने 20 साल तक पैसे डालते रहे, 1,00,000-1,00,000 करके 20,00,000 रुपए हो गए, लेकिन वो जब आप लेने जाएंगे तो 50,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना ज्यादा हो जाता है। हाँ, और बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत कम लोग करते हैं। और एक आदमी केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है, दो नहीं खोल सकता। इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। गवर्नमेंट ने आपके भले के लिए ऐसी स्कीम बनाई है कि आप एसबीआई में या तो पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, शायद आईसीआईसीआई में खोल सकते हैं आप। ये सेविंग्स अकाउंट नहीं होता, इसको बोलते हैं पीपीएफ। और इसमें एक बड़ी मुश्किल चीज है, इसमें जो आप पैसा डालेंगे 5 साल तक इसमें से पैसे निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि वो पैसा जब इकट्ठे करते हैं आप 5,00,000 रुपए इकट्ठे करते हैं तब गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट देना शुरू करती है, उसके पहले निकाल लिया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और 5 साल बाद 25% मतलब 1,25,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। जो दिखाते हैं फिल्मों में दिखाते हैं कि मैं अपनी प्रोविडेंट फंड का पैसा दे दूं, प्रोविडेंट फंड नहीं दिखा, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी वो बागवान, तो बोलता है मैं अपने प्रोविडेंट फंड का पैसा दे दूं, वो बुढ़ापे का पैसा है जो आप बचा रहे रखे हैं अपने लिए, लेकिन वो आप बच्चों को दे देते हैं। तो पैसे अगर कमाए बिना घर से निकल गए तब बड़ी मुश्किल होगी, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि आप लोग क्रिमिनल बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, उचक्के बन जाएंगे। वो आसान है पैसा कमाना, चोरी करने में आसान है,
बहुत से बच्चे हैं डॉन बॉस्को में किताबें चुरा चुरा करके बेचते हैं।